असलकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे तो मैं अपनी रूटीन वर्क फॉलो करूँगी बट मैं आज आपसे किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रही थी और मैं आपसे नाइन ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी जिन पर अगर आप वर्क करते हैं ना तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है अगर आप अपनी सोच बदलते हैं ना तो आपके ख्याल बदलते हैं और अगर आपके ख्याल बदलते हैं ना तो आपका एक्शन आपका अमल बदलता है और जब आपका अमल बदलता है उसमें चेंजिंग आती है तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है सो so, आज मैं आपसे इस वीडियो में नाइन ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ कि जिनको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपका कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ हैप्पी और मोर प्रोडक्टिव हो जाएगी तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं तो मैं नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री आपसे जो है ना वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करूँगे सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो नंबर वन पे मैं जिस पॉइंट को हाईलाइट करूंगी करूँगी ना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने अक्सर खवतिन को देखा है तो नंबर वन पॉइंट है जिस टॉप कंप्लेनिंग एंड अप्रिशिएट हाउ लकी यू आर अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनके पास बैठ जाए ना और आपको शिकवे शिकायत कंप्लेंस ही सुनने को मिलती हैं कि मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है ऐसे हो जाता तो अच्छा होता काश उस वक्त मैं ऐसे कर लेता या मैं ऐसे कर लेती तो आज ऐसा ना हुआ होता लाइक like, उनकी लाइफ में ना कम्प्लेंस होती हैं पछतावे होते हैं और और उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता अक्सर ख़वात भी यही करती हैं कि वो बजाय शुक्र अदा करने के वो कंप्लेन कर रही होती हैं वो अपने लाइफ को अपने आप को अपनी चीज़ों को अप्रिशिएट ही नहीं करती यार तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है मेरा हस्बैंड तो ऐसा नहीं है यार अच्छा तुम्हारे हस्बैंड ऐसे करते हैं यार मेरे हस्बैंड में तो ये वाली आदत बिल्कुल भी नहीं है अच्छा तुम्हारे इन लॉज ऐसे हैं मेरे इन लॉज तो ऐसे नहीं है बहुत सारी लड़कियाँ बहुत सारी फ़ीमेल्स क्या करती हैं अपनी लाइफ को कंपेयर करती हैं लाइक अपनी फ्रेंड्स कज़ंस बहनों के हस्बैंड्स को अपने हस्बैंड के साथ कंपेयर करती हैं और फिर देखती हैं यार उनकी कितनी ड्रीमी लाइफ है कितनी रोमांटिक लाइफ है और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है मुझे तो आउटिंग पे नहीं लेकर जाते डिनर पर नहीं लेकर जाते बजाय आप कंप्लेन करने के आप उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपके पास अवेलेबल हैं आपके हस्बैंड अगर आपको आउटिंग पे नहीं लेके जाते हैं तो आप उन सहूलियात को अपनी लाइफ में देखें जो उनकी वजह से हैं कितना कुछ आपको आपके हस्बैंड ने दिया है लाइक आप शुक्र अदा करें लेकिन ख़वातीन कंप्लेन कर रही होती हैं अगर आप अपनी इस आदत को बदल लेंगी ना कि आपने कंप्लेन नहीं करनी आपने अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना और आपने दूसरों के सामने बैठ के गिला शिक्व नहीं करने और हमेशा शुक्र अदा करना है आपकी ये सोच बदलेगी ना तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में इतनी अच्छी चेंजिंग आएंगी ना अल्लाह पाक भी ऐसे इंसान पर रहमत करते हैं बरकत करते हैं जो दूसरों के सामने बजाय शिकवे शिकायत करने के शुक्र अदा करता हो अच्छा ये वाली टिप जो है ना वो ख़ास तौर पर होम मेकरस के लिए है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारा काम करना होता है जिनकी रूटीन बहुत टफ होती है तो उनके लिए ये टिप है और इस पॉइंट को डिस्कस करना ज़रूरी है प्लीज़ कट ऑफ कॉलिंग आवर्स हम खातन अक्सर क्या करती हैं मैंने देखा है मैंने अपने घर में भी देखा है मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखा है बहुत सारे लोगों को वो क्या करती हैं कि वो लंबी लंबी कॉल्स करती हैं uh, या तो अपनी मदर को कॉल कर रही हैं तो घंटा घंटा बात कर रही हैं अपनी बहनों को कॉल मिलाई हुई है अपनी फ्रेंड को अपनी कज़न्स को लाइक like, लंबी लंबी डिस्कशंस ऑन डेली बेसिस हो रही है मतलब फजूल का वक्त ज़ाया हो रहा है आप यकीन मानें कि आप अगर किसी को कॉल ये जो कॉल की चीज़ें ना मैं इसके बड़े सख्त खिलाफ भी हूँ ये इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं हम खवीन का जो बात नहीं भी बताने वाली होती ना तो लड़कियाँ अपने घर की अपने लॉस की अपने हस्बैंड की बातें अपने मेके में कर रही होती हैं अपनी अम्मी से कर रही होती हैं अपनी बहनों से कर रही होती हैं और वो फजूल बातें जिनका कोई मकसद नहीं होता और वो बात कहीं से कहीं निकल जाती है तो अपनी लाइफ में ना ये जो कॉलिंग और जन है इनको प्लीज़ कट ऑफ कर दें कोई ज़रूरत नहीं है लंबी लंबी कॉल्स करने की हाँ आप डेली बेसिस पर अपनी माँ की आवाज़ सुन सकती हैं बात कर सकती हैं दस मिनट पाँच मिनट काफ़ी होते हैं यार और ये इतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है ना वही टाइम आप अपने घर को दें अपने बच्चों को दें तो आपकी रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं होगी आपके सारे काम भी टाइम पर होंगे और आप थकेंगे भी बल्कि बिल्कुल नहीं पॉइंट नंबर थ्री इज़ वर्क ऑन मेंटल पीस जी हाँ मेंटल पीस उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी बॉडी को राहत आराम और सुकून चाहिए ना उतना ही हमारे दिमाग को भी सुकून चाहिए होता है तो आप मेंटल पीस कैसे हासिल कर सकते हैं हर इंसान का जो मेंटल पीस है ना वो डिफ़रेंट चीज़ों में होता है आप नमाज़ पढ़ें आप कुरान पाक पढ़ें या फिर आप कोई ऐसी हदीस की बुक ले लें जिसको आप पढ़ें और आपको अच्छा फ़ील हो और आपके सोच के नए दर जो है ना वो खुलें और मेंटल पीस आप वॉक से हासिल कर सकते हैं आप एक्सरसाइज से हासिल कर सकते हैं आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपको सुकून दे और जब आपकी बॉडी को सुकून मिलता ना तो वही आपका दिमाग भी रिलैक्स फील करता है और मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जो होम मेकर्स होते हैं ना हम पे इतना प्रेशर होता है ना अपने बच्चों का कि सुबह टाइम पर उठना है बच्चों के लंच बॉक्सेस रेडी करने हैं उनको स्कूल भेजना है फिर वो स्कूल से आ जाएंगे खाना रेडी हो हस्बैंड आएगा तो घर साफ़ हो कपड़े प्रेस हो लाइक इतना कुछ हम बर्डनाइज हुए होते हैं ना तो मेंटल पीस हम खातन के लिए हम होम मेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा अगर दिमाग सही होगा ना तो फिर ही जिसम भी सही से काम करेगा अच्छा नंबर चार पे बात करेंगे कि बी लर्निंग पर्सन कुछ खुवान होती हैं कि जिनके ख़्वाब खाँग हमेशा ख्वाब ही रह जाते हैं कि काश मैं शादी से पहले मास्टर्स कर लेती ग्रेजुएशन कर लेती काश मैं सिलाई सीख लेती या काश मैं कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लेती लाइक like आप अपनी ज़िंदगी में काश क्यों आने देती हैं आपके पास अभी भी टाइम है आप तो इंटरनेट का दौर है इतना फास्ट दौर है ग्लोबल लाइफ लाइक like आप अभी भी घर बैठ के बहुत सारे स्किल्स सीख सकती हैं तो बजाय आप ये काश का वर्ड या पछतावा अपनी लाइफ में यूज़ करें कि आप अभी भी कर सकते हैं यार लर्निंग पर्सन बने आप अभी भी अगर आपको कुकिंग अच्छी नहीं आती है तो आप कुकिंग अच्छे से सीख सकती हैं यूट्यूब से सीख सकते हैं आप बेकिंग कोर्स कर सकती हैं यूट्यूब से आप सिलाई सीख सकती हैं आप एम्ब्रॉयडरी सीख सकते हैं लाइक इतने ज़्यादा स्किल्स हैं ना जो आपको अच्छा लगता है जो आप करना चाहती थी अपनी लाइफ में आप अभी भी कर सकती हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ ख़वान को कि सीखने का जो वक्त होता है ना जो अमल होता है ये इंसान के साथ सारी ज़िंदगी चलता है और इसको चलते रहना चाहिए प्लीज़ कंट्रोल योर सोशल मीडिया टाइम या सोशल मीडिया आवर्स आप अगर इंस्टाग्राम ओपन कर लेना तो आप उसकी रील्स में घंटों ज़ाया कर देते हैं अगर आप यूट्यूब खोल लेना तो आप घंटों ज़ाया कर सकते हैं आप अगर फेसबुक खोल लें आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट आप खोल लेना तो आपका वक्त इस तरह ज़ाया होता है लाइक पता ही नहीं चलता कि आपका घंटा किधर गया मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं रात को अगर चाय का कप लेकर बैठती ना अगर मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया यकीन माने दस से ग्यारह ग्यारह से बारह कैसे बचते थे पता ही नहीं चलता था मेरा इतना वक्त ज़ाया हो जाता था तो ये जो सोशल मीडिया है ना इसको आप खुद कंट्रोल करें ना कि ये आपको कंट्रोल करें आप फेसबुक पे बैठे हैं आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप टीवी देख रही हैं ड्रामा देख रही हैं तो आप देखते जा रहे हैं टीवी लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है और ये जो इतना ज़्यादा हम टीवी और ये मीडिया और कंप्यूटर लैपटॉप ये जो स्क्रीन टाइम देते हैं ना ये भी हमारे जो हारमोन्स हैं ना उनको डिस्टर्ब करता है और हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है तो अपने सोशल मीडिया टाइम को जो है ना अपने कंट्रोल में करें आपकी लाइफ में इतनी अच्छी चेंजिंग आएगी ना मैंने ख़ुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि अपना वक्त जो है ना वो सोशल मीडिया पर ज़ायर नहीं करना कोई ज़रूरी चीज़ देखनी है आपने को बहुत ही ज़रूरी है या फिर कभी कभी कोई ना कोई एंटरटेनमेंट जो है ना वो होनी चाहिए बस इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं अच्छा आप मैं जिस पॉइंट पे बात करूँगी ना ये बहुत ही ज़रूरी और बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है तवक्कल अल्लाह अल्लाह पर तवक्ल करना सीखे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका ज़रा भर भी ईमान नहीं होता जिनको पता ही नहीं होता कि तवक्कल क्या चीज़ है और अल्लाह पे भरोसा क्या चीज़ होती है वो हर वो समझते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है हमारे कंट्रोल में है सब कुछ हम खुद कर रहे हैं और सब कुछ हमारे इख्तियार में है लाइक अल्लाह पे तवक्कल आपकी ज़िंदगी बदल देता है मेरी ज़िंदगी में जो चेंजिंग आई है ना वो मेरा अल्लाह पे मजबूत ईमान है लाइक like, अगर आपकी लाइफ में कोई टेंशन है कोई परेशानी है तो वो किसकी वजह से आई है और उसने सॉल्व कैसे होना है हर चीज़ का एक टाइम होता है ठीक है रात आती है आपकी ज़िंदगी में कभी कभी इतनी गहरी रात आ जाती है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि सुबह कब आएगी लेकिन ऑफ कोर्स रात के बाद सुबह तो आती है अल्लाह पे ईमान रखना सीखें अल्लाह पे भरोसा रखना सीखें कुछ खातन क्या करती हैं कि देखती हैं कि फ़लाँ के हस्बैंड की जॉब बहुत अच्छी हो गई है या उनका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा हो गया या उन्होंने गाड़ी ले ली है उन्होंने घर बना लिया है या उनकी लाइफ बहुत कामयाब हो गई है और उनके बच्चे पढ़ लिख गए हैं अच्छी पोस्ट पर चले गए हैं लाइक like, हर एक की अपनी लाइफ है हर एक ने अपने हिस्से का मुकदर का रिस्क अल्लाह से लेना है अल्लाह पे तोल करना सीखें एक वक्त आपका भी आएगा ज़िंदगी में जो कुछ होता है उस पर अल्लाह पे भरोसा किया करें कुछ ख़वन अल्लाह पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हैं अगर कोई टेंशन है ना तो वो उसको इतना सर पर सवार कर लेती हैं उनको पता ही नहीं होता कि अल्लाह पे यकीन क्या चीज़ होती है और ये जो परेशानी आई है ये इन ख़त्म हो जाएगी और वो इस तरह एंगज़ाइटी और डिप्रेशन में चली जाती हैं कि वो अपनी लाइफ बिल्कुल अपने हाथों से खो देती हैं मैंने बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंसिस ख़ातन को करते देखा है कि वो अल्लाह पे तो कोई चीज़ ही नहीं होती और वो अपनी लाइफ से अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती से हाथ धो बैठती हैं नेवर लुक बैक यस कमिट टू द गोल्स आपने जो भी गोल्स अपनी लाइफ में सेट किए हैं आप कमिटेड रहें और पीछे मुड़कर मत देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर शादी के बाद स्टडी स्टार्ट की है ठीक है मुश्किल है वक्त नहीं मिल रहा पढ़ना भी है बच्चों को भी देखना है घर भी देखना है आप ट्राई करती रहें मुसलसल ट्राई करती रहें यकीन माने कि ये जो बार बार ट्राई करना होता है ना बार बार अटैम्प्ट करना होता है यही कामयाबी की सीढ़ी होती है कभी भी मायूस मत हो और अपने जो गोल्स हैं ना मतलब एक माइंड में ये बना लेना कि मुझे ये करना है बहुत आसान है कह देना बहुत आसान है लेकिन उसको पूरा करना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चाहिए होती है आप बहुत सारे कामयाब लोगों की अगर लाइफ स्टोरी या उनकी बायोग्राफी होती है उनको पढ़ें या सुने ना तो आपको पता चलेगा यार उन्होंने कितनी मेहनत की कितनी स्ट्रगल की और तब जाकर वह इतने कामयाब बने हैं और मैं यहाँ पे अपनी एग्जांपल कोर्ट कहना चाहूँगी कि मैं भी यूटूब पे व्लॉगिंग कर रही हूँ जबकि मैं उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी और मुझे तीसरा साल स्टार्ट हो गया हालांकि यूट्यूब पे कामयाबी का एक्सटेंडेड यही है कि आपकी लाखों में इनकम आए और हर मंथ आए ठीक है मेरी हज़ारों में इनकम आई है और गैप के साथ आई है आठ दस महीनों के बाद आई है कोई बात नहीं मेरा काम है मेहनत करना मुसलसल मेहनत करना और कामयाबी जो होती है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है या तो आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाता है या फिर आपकी मुकद्दर में किस्मत में होती है आपको फ़ौरन से ठक से मिल जाती है मेरा काम है काम करना मेहनत करना मैं वो कर रही हूँ और बाकी इन पाक ज़रूर फल देंगे लर्न फ्राम योर मिस्टेक्स जी जनाब अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दें तो वही गलतियाँ जो है ना आपको आपकी कामयाबी के दरवाजे तक ले जाएंगी कुछ लोग मिस्टेक करते हैं एक बार दो बार तीन बार फिर उनकी इतनी आदत बन जाती है कि वो इनकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा ही बन जाता है और हर कोई कहता है कि यार इस बंदी ने तो कुछ सीखना ही नहीं है ऐसा तो कुछ करना ही नहीं है तो है ही ऐसी उस पर ऐसा हम टैग लगा देते हैं ना तो ये आप नहीं करें अपनी जो पुरानी मिस्टेक्स है अपना पुराना माजी है पुराना टाइम है उसको भूल जाएं बल्कि उसे सीखें और और अच्छा करने की कोशिश करें अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें कुछ खवतानी इतना बुरा खाना बनाती हैं कि वो सारी ज़िंदगी बुरा खाना ही बनाती रहती हैं और अगले भी उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कभी अच्छा खाना बनाएगी तो इन्जॉय योर टाइम इन्जॉय योर लोनलीनेस जी हाँ अपनी तन्हाई को भी जो है ना वो इंजॉय करना सीखें कुछ ख़वान इतनी बोर होती हैं इतनी बोर होती हैं यानी कि उनके उन, पास करने को कोई को एक्टिविटी नहीं होती है कोई पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं होती है उनके पास तो अपने आप को किसी अच्छी सी हॉबी में अच्छी सी एक्टिविटी में मसरूफ़ करें अपनी तन्हाई को जो है ना वो इंजॉय करें अब मेरे भी हस्बैंड नहीं होते हैं और मैं अपने टाइम को किस तरह पॉजिटिव प्रोडक्टिव अच्छा इंजॉय करती हूँ ना कि मैं बोर होती रहा मैं हर एक को ये कहती रहा यार मैं बस करने को कुछ नहीं है मैं तो चाय अकेले पी रही हूँ या मैं तो अकेले खाना बना के खा रही हूँ मेरी लाइफ में मज़ा ही नहीं है सुकून ही नहीं है इस तरह की बातें करने के बजाय नेगेटिविटी फैलाने के बजाय मैं हमेशा पॉजिटिव आस्पेक्ट की तरफ देखती हूँ कि यार डेली मेरी बात होती है मेरे हस्बैंड से कितनी बार बात होती है हम व्हाट्सएप पे जो है ना वो कितना टाइम अटैच रहते हैं तो बाकी का टाइम मैं अपना इन्जॉय करती हूँ अपनी लाइफ इंजॉय करती हूँ अपने बच्चों को देती हूँ तो ये पर्सनैलिटी का जो है ना फ़र्क होता है तो अपनी तन्हाई को भी अपने वक्त को इन्जॉय करना सीखें यही थे आ, कुछ पॉइंट्स जिनको मैं खुद फॉलो करती हूँ और जो मेरी अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा है यकीन माने सारे पॉइंट्स मेरी अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा हैं जो तो मैंने आपसे शेयर किए आई होप आपको ये वीडियो जो है ना बड़ी इंफॉमेटिव और आपको कुछ सीखने को मिला होगा कोई एक ऐसा पॉइंट आपको क्लिक किया होगा कि आपकी लाइफ इनशाला जरूर बदलेगी अपना रखें बहुत सारा ख्याल मुझे दुआ में याद थैंक्स फॉर वॉचिंग केयर के हाफ